मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं 2004 में यहाँ पे आया था और हमें कोटा में उस समय एक्सेप्टेड था, तो मैं बेसिक बिहार का गया से रहने वाला हूँ। और मैं कोटा में तो वहाँ पे हमें एंजाइना पेन हुए थे, हमें मालूम नहीं था कि एंजाइना पेन है वो, लेकिन डॉक्टर को हमने दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि TMT में पॉजिटिवली हो गया था, तो फिर उन्होंने रेफर कर दिया हमें एम्स दिल्ली में। तो दिल्ली में एंजियोग्राफी हमारे हुए, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि आपका 90% ब्लॉकेज है एक आर्टरीज। तो उन्होंने बोला कि एक महीने के अंदर, उन्होंने बहुत डरा दिया था कि एक महीने के अंदर में आप फटाफट एंजियोप्लास्टी करा लो, स्टेंट डलवा लो। अपने कोटा में एक न्यूज़पेपर था राजस्थान पत्रिका, उस पे पेपर में देखा था कि बिना ऑपरेशन के ब्लॉकेज खुलते हैं। तो हम लोगों ने फिर लुधियाना को मैंने आगे यहाँ पे सर से मिला, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ट्रीटमेंट एक बार लो, उसके बाद जैसा होगा फिर आगे आपने करना है। तो फिर हम लोगों ने इनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया 2004 में ही। 35 सीटिंग ECP हमने ली इनसे। 10-12 सालों तक हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, अपनी बॉडी बहुत फंक्शन अच्छा करता रहा, लेकिन एक दो सालों से थोड़ी थोड़ी हमें एंजाइना शुरू हुए हैं। तो फिर दोबारा मैं इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आया, और ये फिर अब हमने अपने सिस्टर का, हमारे ब्रदर इन लॉ है हमारे, उनका भी एक अटैक आया था, तो उनको फिर मैंने रिकमेंड किया कि आप चले वहाँ पे, तो मैं उनको भी साथ लेके आया हूँ और ये लोग भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और हमें पूरा इन पे भरोसा है, और आपको जितने भी लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ऑप्शन आपके पास अगर एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट के बाद में एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों ही आपके पास में ऑप्शन बचते हैं, तो ये आप इजी गोइंग आप ले सकते हैं इसको। जो दिल के रोगी बाईपास सर्जरी, स्टेंट या एंजियोप्लास्टी के योग्य नहीं, बाईपास फेल हो गया हो या करवाना नहीं चाहते, उनके लिए FDA अमेरिका प्रमाणित ECP और आर्टेरियल डिजीज क्लिनिक लंदन तकनीक अनुसार ACT कीलेशन थेरेपी उपलब्ध है। इस इलाज प्रणाली द्वारा दिल के दर्द तथा एंजाइना से राहत मिलती है।